जान लगा दो या जाने दो। नमस्कार, मैं राकेश शांडिल, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस खास YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका टाइटल ही है जान लगा दो या जाने दो। अक्सर यह देखने को मिलता है कि कई लोग किसी काम को बिल्कुल मन लगाकर नहीं करते हैं। उनका काम में इन्वॉल्वमेंट तो जरूर होता है, उस काम की शुरुआत तो जरूर करते हैं, सफल भी होना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं उस काम से, लेकिन उस काम में जब सही तरीके से करने की बारी आती है तो उसमें वो मन नहीं लगाते हैं, उस काम को ठीक तरीके से नहीं करते हैं, उसमें जितनी मेहनत की जरूरत होती है उतनी मेहनत नहीं करते हैं, जितने प्रयास की जरूरत होती है उतने प्रयास नहीं करते हैं, और अंततः उनका जो रिजल्ट होता है वो निगेटिव होता है और वो असफल हो जाते हैं। और उसी असफलता की वजह से आगे भी नई कोई काम को जब करना होता है तो उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें जान लगा दो या फिर जाने दो, क्योंकि जब आप किसी काम को करेंगे और ठीक तरीके से नहीं करेंगे, उसमें मन लगा करके नहीं करेंगे, मान लीजिए आप एक छात्र हैं, तो एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम आज के समय में क्या है, पढ़ाई करना। और पढ़ाई का मतलब यह है कि अगर एक छात्र को 24 आवर मिला है, 24 घंटा मिला है, तो बाकी सारी चीजें सोने उठने खाने को छोड़ करके, नहाने फ्रेश होने को छोड़ करके, जितना भी समय उनके लिए बचता है वो सारा समय में उनको जी जान लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए, यानी कि उसमें एकदम से जान लगा देनी चाहिए या फिर उस पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं पड़ता है, मतलब नहीं बनता है कि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो उसको ठीक तरीके से कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, पूरा समय उसमें दीजिए, क्योंकि जब किसी काम में आप बेहतर तरीके से ज्यादा ज्यादा समय देते हैं तो वहां से आप ज्यादा ज्यादा सीखते हैं और उस काम की पूरी बारीकी आपको पता चल जाती है, और किस वजह से लोग उस काम में सफल होते हैं या असफल होते हैं उसका तरीका भी आपको पता चल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप एक छात्र हैं तो एक छात्र होने के नाते आपका ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में जाना चाहिए, ना कि वीडियो गेम खेलना या फिर वीडियो देखना या सोशल मीडिया पे अपने समय को बर्बाद करना या फिर फिल्म देखने में। ये सारी चीजें जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पे आप इन सारी चीजों का लाभ उठा पाएंगे, उसका मजा भी ले पाएंगे, लेकिन आज का वक्त एक स्टूडेंट होने के नाते आपका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त अपनी पढ़ाई पे दें, अपने सब्जेक्ट पे दें, अपने सिलेबस पे दें, अपने टीचर की सुने, अपने कोचिंग में टाइम से जाएं, टाइम से जब वहां पे आप फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हैं तो मेंटली प्रेजेंट होकर के सारी बातों को ध्यान से सुनिए, और जब आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तभी जाकर के आपका रिजल्ट अच्छा होगा, और जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो उस रिजल्ट अच्छा होने की वजह से आप खुश होंगे, आपके माँ पिताजी खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा, और उसका नतीजा यह होगा कि आने वाले भविष्य में आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह से मैं बिजनेसमैन के लिए बोलना चाहता हूं, जो एंटरप्रेन्योर है उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आप उस काम को ठीक तरीके से सीखिए, समझिए, उस काम को ठीक तरीके से कीजिए, पूरी अपनी ताकत उसमें लगा दीजिए, पूरा अपना एनर्जी उसमें लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए उस काम को सफल बनाने के लिए। जब तक वह काम सफल नहीं हो जाए तब तक उस काम के पीछे लगे रहिए, जहां आपको कमी लगे उस कमी को पूरा कीजिए, जितना सीखना है, जानना है, सब कुछ कीजिए, अंततः उस काम में पूरी जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए, क्योंकि अधूरा किसी काम को करने से अच्छा है कि उस काम को किया ही नहीं जाए। अंततः मैं यही कहूंगा कि दुनिया में हर चीज हासिल किया जा सकता है, जो आप चाहते हैं वो हर कुछ पाया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए आपको ईमानदारी पूर्वक पूरी जी जान के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप जी जान के साथ मेहनत करेंगे, अच्छी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, तो आप जो बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जैसे जैसी सफलता चाहते हैं, वो हर तरह की सफलता आपको प्राप्त होगी, और आप जीवन में अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और दूसरों के लिए भी एक अच्छा संदेश दे पाएंगे, और दूसरे लोग भी आपसे इंस्पायर होकर के कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं अंत में कहूंगा कि दुनिया का कोई भी काम आप करना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं तो उसमें पूरी जी जान लगा दो या फिर उसे जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया या फिर अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।